विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आप सभी को पता है जो 24 अप्रैल को पेपर हुआ था, प्री पेपर कक्षा 6 और 7 उत्तर प्रदेश में, उसका रिजल्ट आपके सामने आ चुका है और अब आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। 13, 14, 15, 16, 17 तक सारी परीक्षाएं आपकी होनी, उसका शेड्यूल आपका जारी हो गया है। जारी होने से बहुत से बच्चे चिंतित हैं कि ये ऑनलाइन पेपर होगा तो हम इसे कैसे दें। ढेर सारे गार्जियंस का फोन आ रहा है, वो लोग अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की ओर भाग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको कंप्यूटर सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो अपना टाइम मिला है वो परीक्षा में जाया करें। मैं आपको बताता हूं कैसा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने कंप्यूटर नहीं देखा तो आप अपने बच्चे को कहीं पर ले जा करके थोड़ा सा उसे, एक माउस होता है उसको आप दिखा दीजिए कि कैसे इसको चलाना है, बस इतना सिर्फ करना है। आपके घर में अगर एक मोबाइल है तो आप मोबाइल पर भी इसे दिखा सकते हैं। तो आइए मैं देखता हूँ कि इसे कैसे आप अपने बच्चों को मोबाइल पर बहुत इजीली, जो कंप्यूटर बेस्ड होगा बिल्कुल वैसे ही आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हमने कोई भी जो आप ब्राउजर चलाते हैं उस पर आप चले जाइएगा, उसके बाद चाहे गूगल या फिर क्रोम, इस पर आप लिखेंगे विद्या ज्ञान। देखिए मैंने लिखा विद्याज्ञान.in, जैसे ही आप लिखेंगे और लिखने के बाद आपको जैसे ही इस पर क्लिक करना है, यानी जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको विद्या ज्ञान की साइट जो है खुलती हुई नज़र आएगी। और आप यहाँ से खोलेंगे और खोलने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये जो 3 डॉट है, 3 लाइनें हैं यहाँ पर, इस पर आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने 2-3 ऑप्शन सामने आएंगे, जो दिखेगा इवेंट्स, एडमिशंस, न्यूज़। हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखिए एडमिशन लिखा है, एडमिशंस, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने, जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने पुनः वही इंटरफेस खुलेगा और इसे आप आगे की ओर थोड़ा बढ़ाएंगे। मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, सबसे नंबर 1 पे लिखा होगा शॉर्ट लिस्टेड क्लास 6 गर्ल्स, दूसरे नंबर पर शॉर्ट लिस्टेड क्लास 6 बॉयज। आप इसको धीरे धीरे चलाते हुए नीचे आ जाइएगा, नीचे जब आएंगे तो आपके सामने एक ऑनलाइन एग्जाम गाइडलाइंस वीडियो आएगा। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, ये आपके काम का है। इसके अलावा जैसे ही ये देख रहे होंगे विद्या ज्ञान एग्जाम डिमोन्स्ट्रेशन, यानी ये आपको विद्या ज्ञान जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको कैसा वहाँ दिखेगा। अब आपको करना सिर्फ इतना, अपनी मोबाइल स्क्रीन पर इसको टच कर देना। देखिए मैं जैसे इसे टच करूँगा, टच करते ही हमारे सामने ये आ जाएगा परीक्षार्थी लॉगिन। अब आपके सामने यहाँ पर देखेंगे एक यूनिक आईडी पूछ रहा है, यूनिक आईडी एक 6 अंक की, जो आपका OMR नंबर है वही यूनिक आईडी, यानी OMR जो नंबर है यही आपकी यूनिक आईडी होगी। ये आपको कहाँ से मिलेगी, बहुत से लोगों के पास, कह रहे मेरे पास नहीं है। आप जब भी अपना रिजल्ट देख रहे होंगे तो रिजल्ट में आपका नाम है, रोल नंबर है, यूनिक आईडी है, पिता का नाम है, गांव का नाम है, ब्लॉक का नाम है, तहसील का नाम है, जिले का नाम है, आपका फोन नंबर, सब कुछ उसमें दिया गया। वहां से आप OMR नंबर नोट कर लीजिए और जैसे ही आप अपना यहाँ पर OMR नंबर भरेंगे, और जैसे ही आप नंबर OMR यहाँ पे भरते हैं, भरते ही आपको जैसे इसमें आएगा आगे बढ़ें, तो हम यहाँ पर एक OMR नंबर किसी बच्चे का मैंने ले लिया है और कंटिन्यू या आगे बढ़ें लिख करके आपके सामने आएगा। मैं आपको नंबर नहीं दिखाना चाहता इसलिए मैंने यहाँ पर उसको जो है ढक दिया है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ें, जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे देखिए आपके सामने लिख के आ जाएगा ये देखिए ऑन विद्या ज्ञान ऑनलाइन डेमो परीक्षा अनुदेश, यानी क्या क्या निर्देश हैं वो सारे आपको दिखाई पड़ेंगे। आपकी यूनिक आईडी का, यानी आपकी अभी दिखाई पड़ेगी, आप अभी ट्राई करिए, आपको बिल्कुल मोबाइल में अभी दिखाई पड़ेगी। उसके बाद आपका नाम दिखाई पड़ेगा और आपके पिता का नाम, ये तीनों चीज़ें आप मिला लीजिए। उसके आगे जब आप बढ़ेंगे, अब इसमें कुछ निर्देश लिखे मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यह एक मॉक टेस्ट है, यानी एक दिखावटी परीक्षा है जो आपको वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगी। मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की संख्या, खंडों का क्रम और परीक्षा का समय भिन्न हो सकता है, यानी वहां पर आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ वहां आपको 1 से 1.5 घंटा मिलेगा, यहां पर आपको केवल और केवल 30 मिनट दिया जा रहा है।
जो मॉक टेस्ट है, जो दिखावटी टेस्ट है, इसमें आपको 30 प्रश्न है, इसमें 3 खंड है भाषा, यानी जो बताया उन्होंने, हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, गणित और मानसिक योग्यता, यानी ये 3 खंड आपको वहां पर मिलेंगे। प्रश्नों के सामने प्रत्येक प्रश्न के अंक अंकित कर देंगे, कोई प्रश्न 3 नंबर का होगा, कोई 2 नंबर का होगा, कोई 1 नंबर का होगा, प्रश्न की इंपॉर्टेंस देख करके आप प्रश्न जरूर करें। तो यहां पर जो इन्होंने बनाया है पेपर, उसमें आपको देख ले समझने के लिए हिंदी के 8 प्रश्न रखे हैं, गणित के 10-12 प्रश्न रखे हैं और मानसिक योग्यता के केवल 10 प्रश्न रखे हैं। इनमें 4 विकल्प होंगे ए बी सी डी, मैं अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगा। चारों विकल्पों के साथ एक गोला दिया गया, उस गोले को आपको एक ही रंग पाएंगे, इसमें 2 गोले आप नहीं रंग सकते। रफ कार्य के लिए आपको मैं बता दूं, एक कॉपी आपको दे देंगे, अगर आपको रफ कार्य करना भी है तो आप प्रश्न संख्या डाल डाल के आप करते रहिएगा। फिर इसमें कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज, घड़ी वगैरह ऐसी ले जाना मना है, क्योंकि आपको घड़ी का काम नहीं, क्योंकि अभी आप देखेंगे जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका समय चलता रहेगा। उसके बाद आप आएगा कि मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं, आप तुरंत इस पर जैसे देखेंगे और आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको सारे प्रश्न मिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए मैं बिना इंतजार किए हुए इसे क्लिक करता हूं। ये देखिए, क्लिक किया और आपके सामने जो पहला है, भाषा की बात करूंगा, तो ये देखिए पहला खंड आपके सामने भाषा खुल करके आ गया। यहां पर 3 खंड होंगे, भाषा देखिए आपको दिखाई भी पड़ रहा है, देखिए भाषा है। अगला खंड हमारा ये देखिए गणित है, और इससे एक खंड और आगे है, वो आपका खंड ये देखिए मानसिक योग्यता का है, ये आप देख लीजिए। आप यहां से तीनों खंड आपके सामने, मानसिक योग्यता का है, गणित का है और आपका भाषा का है। अब इन तीनों खंडों में से मान लिया आप भाषा नहीं करना चाहते, आप गणित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये जो कर्सर है, जो आपको वहां मिलेगा माउस, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए मैंने गणित खोला, गणित खोला, और गणित जैसे खोलेंगे तो गणित खोलते वक्त आपके सामने खंड खा गणित लिख के आएगा। कुल 0 प्रश्नों के उत्तर दिए, 12 प्रश्न है, पुनः हमने जांचे नहीं। अब आप यहां पर ये देखिए, जो आपके सामने एक तीर टाइप का बना है, इस पर जैसे ही आप रखेंगे आपके सामने गणित के सारे प्रश्न खुल के आ जाएंगे। तो मैंने गणित पहले ले लिया, कोई बात नहीं, आप गणित यहां से देख रहे हैं। अब आप गणित का कोई भी प्रश्न, जैसे 120 × 40 बराबर 20 × कितना होगा, तो खाली लिखा है ऊपर दिए हुए डिब्बे में कौन सी संख्या आएगी। अब यहां पर मान लिया 240 आएगी, तो आप 240 भर देंगे। अब यहां पर आप कोई भी आंसर अपने कर्सर से देखिए भर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है इसका आंसर आखिरी वाला सही, तो मैंने आखिरी वाले पर क्लिक कर दिया। और अब आप आगे बढ़ना चाहें तो आप ये देखिए परीक्षा आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप समीक्षा कर सकते हैं कि हमें नहीं ये नहीं ये भरना, कुछ भी आप यहाँ पे अभी तक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया आगे बढ़ेंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये देखिए आगे के लिए चिन्ह किया और आपके सामने एक दूसरा प्रश्न बन करके आ गया, यानी दूसरा प्रश्न ऐसे ही आपको बिल्कुल हूबहू कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा। इनमें से किस आकृति का 1/4 भाग रंगा हुआ है, अब आप देख रहे होंगे यहां पर, ये देखिए इसमें 4 भाग ही नहीं, यहां पर देखिए 4 भाग हैं और चारों भाग लगभग आपको बराबर दिखाई पड़ रहे हैं। और ये दोनों चित्र जो हैं इनमें, क्योंकि भाग तो इसमें देखिए 4 हैं लेकिन इसमें भाग 5 हैं, तो इसमें 1/4 का मतलब हो गया कि चारों भागों में से एक भाग रंगा होना चाहिए। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको दूसरा प्रश्न यहां से सही नजर आएगा। तो देखिए केवल एक सही, एक तो सही नहीं था, केवल 2 सही। तो आप जैसे इस पे रखेंगे, आपसे हमने देखिए इसको सही कर दिया, आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपके सामने एक तीसरा प्रश्न आ जाएगा कि इनमें से कौन सा आकार एक त्रिभुज है। तो इनमें से देखिए 2 आकार, अब जैसे अगर आप आकार की बात करें, देखिए ये त्रिभुज नहीं है क्योंकि इसमें तिरछी लाइन है, ऐसे नहीं, इसमें रेखाखंड होने चाहिए। पर देखिए अगर मैं आपको बताना थोड़ा प्रयास ये कर रहा था कि ये देखिए ये दोनों मान लिया सही, दूसरा पहला और तीसरा सही है, तो आप पहले और तीसरा देखिए किसी में आया है, पहला और तीसरा, ये देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही, आप इस पर टिक कर लेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपका एक अगला प्रश्न यहाँ पे खुल जाएगा। इसमें कितने, तो फलक 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 फलक हैं, तो आप यहाँ से 5 देखिए तीसरा वाला सही, आप क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे फिर एक अगला आपको प्रश्न मिलेगा, इनमें से आप पढ़ लीजिएगा, मान लिया ये तीसरा सही है या दूसरा सही, फिर आप आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से। देखिए अगला प्रश्न, 4 अंकों की एक संख्या बनाई गई इतने से बड़ी छोटी, तो आप यहाँ से मान लिया तीसरा सही, मैं यहाँ पर सही गलत नहीं देख रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अगला प्रश्न,
क्षेत्र में कितनी दहाइयां जोड़े से 100 706 मिलेगा। तो आपको कितनी इसमें जोड़ी है वो आप देख करके मान लिया, 100 जोड़ी है तो आप 100, जो भी हो मैंने आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ से देख करके आप बढ़ेंगे। तो देखिए जितने प्रश्न मैं करता चला जाऊँगा यहाँ पे हरे होते जाएंगे, जब आप नीचे देखोगे इसी के जिस प्रश्न पे होंगे वो लाल से आपको यहाँ पे मार्क कर देगा, जो प्रश्न छूटे होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए समग्र सारांश, यानी ये जो सारांश ये पूरा होगा तो आप देखते रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर सारी चीज़ें देखते रहेंगे, जिस प्रश्न पे आप जब भी जाना चाहें, अब आप जिस प्रश्न पे जाना चाहेंगे उस प्रश्न पर आप जा सकते हैं, बशर्ते आप उसे बार बार बहुत वो न करें, नहीं तो फिर गड़बड़ होने लगता है। अगर आपको लगता है मैं मानसिक योग्यता करूँ, मानसिक योग्यता पर आप आ जाएंगे, और जैसे इस मानसिक योग्यता पर आप उंगली रखेंगे तो मानसिक योग्यता के लिए पुनः ये देखिए जो चिन्ह बना है इस पर आप पुनः चिन्ह रख देंगे, कर्सर ले जाएंगे, तो आपका ये पेपर फिर से शुरू हो जाएगा, मतलब मानसिक योग्यता का ये शुरू हो जाएगा। मान ली इसमें पहला सही है, पहला रख देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, दूसरा प्रश्न आ जाएगा आपके सामने, ये देखें नीचे दिए गए चित्र को देखो, इनमें से कौन सा चित्र ऊपर दिए गए चित्र के समान है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही चित्र आपको वहाँ पर देखना है कि कौन सा ऐसा चित्र हो सकता है। तो आप तुरंत यहाँ से प्रश्न को देखेंगे और जो भी आपको हूबहू लगेगा वो आपको यहाँ से प्रश्न को देख करके मतलब पहला दूसरा जो भी लगता है आप यहाँ से करेंगे, पुनः आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों में, अब आपको जब कभी ऊपर जाना है मतलब हिंदी आपकी छूटी है तो आप यहाँ पर देखिए ये कर्सर है, यहाँ पे आप आ जाएंगे, इसी के देखिए मैं पुनः इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए पुनः फिर क्लिक कर दिए भाषा आ गया। अब आप भाषा के प्रश्न करने, भाषा को क्लिक कर देंगे और पुनः ये देखिए बाईं ओर या दाईं ओर आप किसी को भी क्लिक करेंगे हिंदी के प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाएंगे। ये देखिए वही जो मैं कहानी आपको बता रहा था, कहानी आप पढ़ते जाएंगे और आप प्रश्नों को आंसर देते हुए चले जाएंगे। जैसे ही आप आंसर देंगे आपके सारे प्रश्न, देखिए मैंने अभी पहला प्रश्न सही किया है, दूसरे प्रश्न पर हूँ तो देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब आप इसी प्रकार से अपने प्रश्नों को मान लिया आपको लगता है पहला कठिन दूसरा कठिन, बहुत बड़ी स्क्रीन होगी, हाँ मेरा छोटा मैंने स्क्रीन किया है तो आपको एक ही बार में एक प्रश्न दिखेगा, लेकिन आप जब चाहें उनको आगे पीछे बढ़ सकते हैं, जिस चीज़ के प्रश्न करना चाहें उन्हें आप कर सकते हैं। और लास्ट में आपका जो है कि आपने सारे प्रश्न कर लिए हैं, कोई प्रश्न समीक्षा करना है सबमिट किया जाए, जैसे आप सबमिट करेंगे आपकी कॉपी सबमिट हो जाएगी। इस को करना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, आप लोग इसे ज़रूर करिए और आप इसे ज़रूर देखिए करके, और जब आप इसको कर लेंगे इससे आप जब दो तीन बार अपने घर में करेंगे प्रश्नों का आइडिया भी मिलेगा, कैसे आपको करना है आगे पीछे, कैसे बढ़ना है, कैसे उत्तर दिया जाता, आप अपने घर में सीख सकते हैं। संभवतः ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बशर्ते जब भी आप परीक्षा ये वाली करें तो अपना OMR यानी नंबर जो है वही आपका यूनिक आईडी है, और आप जैसे यूनिक आईडी डालेंगे आपका नाम और आपके पिता का नाम आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।